वेलकम बैक टू द क्लास एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चक्रासन। चक्रासन के बात करेंगे हम, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनिट 3 का योग एंड लाइफ स्टाइल के अंदर आता है। ओके, टॉपिक क्या है हमारा, 3.4। ओके, एज यू नो 3.4 के अंदर हमारा क्या है टॉपिक में, अस्थमा। अस्थमा को क्योर करने के लिए हमको 5 योग दिया गया है, ठीक है। उसमें से हमने पहला योग डिस्कस कर लिया। दूसरा योग क्या है हमारा, चक्रासन। तो हर एक आसन का क्या करते हैं हम, इसका प्रोसीड्यूर देखते हैं, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो मैंने प्रोसीड्यूर, बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन लिख दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोसीड्यूर, ठीक है। बुक में क्या है आपका, आधा आधा पेज दिया हुआ है, तो उसको आप रीड करके उसको बना के लिखने में बहुत टाइम जाएगा। ओके, टाइम कंज्यूम करेगा। मैंने इधर 4 लाइन में इजीली एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि हाउ टू परफॉर्म चक्रासन, और इधर एक फोटो भी डाल दूंगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसीड्यूर ऑफ चक्रासन। देखते हैं कैसा है हमारा। 4 लाइन में हो गया, लाई डाउन ऑन योर बैक, आपके पीठ के बल क्या होना है, लेट जाना है। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, कीप योर बोथ द हैंड क्लोज टू योर नेक। आपकी जो नेक है, नेक के पास दोनों हाथ को क्या करना है, रखना है, ठीक है। थर्ड, राइज ऑफ योर मिडिल पोर्शन ऑफ योर बॉडी अपवर्ड। जो मिडिल पोर्शन होगा ना आपको बॉडी, उसको अपवर्ड की तरफ क्या करना है, पुश करना है, ठीक है, ऐसे। ओके, इट विल बिकम ए सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल हो जाएगा तो आपका क्या हो, प्रोसीड्यूर कंप्लीट है, ठीक है। दिस इज द प्रोसीड्यूर ऑफ चक्रासन। नाउ वी नीड टू नो अबाउट द बेनिफिट ऑफ चक्रासन। फर्स्ट क्या है, इट क्योर आवर बैक पेन। इफ यू हैव एनी बैक पेन, ओके, क्या करेगा वो, आपका बैक पेन क्योर करेगा। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ चक्रासन। सेकेंड बेनिफिट, रिड्यूस द पेन इन किडनी। ओके, अगर किडनी रिलेटेड कोई भी अगर आपको पेन है तो इसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। ओके, दिस इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ चक्रासना। ओके, रिमूव ओबेसिटी। इफ यू कम अंडर द ओबेसिटी लेवल, अगर आप ओबेसिटी में आते हो तो ये क्या करेगा, आपकी ओबेसिटी लेवल को कम कर देगा। इट क्योर अस्थमा एंड ऑस्टियोपोराइटिस। जो अस्थमा और ऑस्टियोपोराइटिस बीमारी है उसको क्या करता है, क्योर करने के लिए हेल्प करता है। दिस इज द अनदर बेनिफिट ऑफ चक्रासना। ओके, तो हमने ये 4 बेनिफिट देख लिए चक्रासना का। नाउ वी नीड टू नो अबाउट द कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, कौन सा बीमारी या कौन सा इंजरी होने से हमको ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। ओके, इफ यू हैव शोल्डर इंजरी, यू शुड नॉट परफॉर्म चक्रासन। शोल्डर में कोई इंजरी है, ऑपरेशन वगैरह है, तो आपको चक्रासन परफॉर्म नहीं करना है। हाई ब्लड प्रेशर, इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, यू शुड अवॉइड दिस योगा। ओके, दीज आर द 2 कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ चक्रासन। तो आज हमने क्या देखा, प्रोसीड्यूर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ चक्रासन। तो और 3 योग रह गए हमारे, ठीक है। तो एक एक क्लास में एक एक योग का प्रोसीड्यूर, बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन देखेंगे हम, ठीक है। और आपको योगा अच्छे तरीके से याद रखना है, कौन सा योगा कैसे परफॉर्म करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।